इंदौर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे रहवासी। इंदौर प्रिंसेस स्ट्रीट कॉलोनी के रहवासियों द्वारा बड़ी संख्या में आज होने वाले इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। कलेक्टर आशीष सिंह ने समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। साथ ही कलेक्टर के समक्ष भू माफियाओं और कॉलोनाइजरों द्वारा तमाम तरह की अनियमितताओं की शिकायतें बड़ी संख्या में आ रही है। इसी कड़ी में आज प्रिंसेस स्ट्रीट कॉलोनी लसूड़िया मोरी MR11 के रहवासी कलेक्टर के पास पहुंचे। मेन जो समस्या हमारी पटवारी, तहसीलदार और कॉलोनाइजर, इनकी मिली भगत से हम जितने प्रिंसेस स्ट्रीट के लोग हैं 23 साल से परेशान हो रहे हैं और गलत तरीके से नामांतरण बटांकन गलत तरीके से किया जा रहा है। इस वजह से इस कॉलोनी के ऊपर भू माफिया लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और करके बैठे हुए हैं। एक एक साइड में 34 फ्लैट में कब्जा करके बैठे हुए हैं, एक साइड में 40 फ्लैट में कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये प्रिंसेस स्ट्रीट है हमारी 11 लसूड़िया मोरी देवास नगर। क्या बोला है साहब? आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। पहले भी हम अनिश सिंह साहब से भी मिले थे, उनसे भी शिकायत की थी। राजा एला साहब से ही मिले, कमिश्नर ऑफिस भी गए, टीआई अपने थाने भी गए और कल भी हमको थाने से, लसोड़े थाने से परेशान किया गया। वहाँ पर भी हमको भी कल गए, काम करने से हमारा रोक दिया गया कॉलोनी का, और इसलिए आज यहाँ पर पूरी कॉलोनी की समस्या लेके यहाँ पर आए हैं। कितने प्लाट धारक है? करीब 900 प्लाट धारक। क्या लगता है? अभी हम बस ये प्रशासन से अपने न्याय की गुहार करने के लिए आए हैं। बार 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 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, आज भी नए कलेक्टर साहब आए, आज उनसे मिलना चाहते हैं। आज देखते हैं कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। टोटल कितने लोग आज आप आ रहे हैं? करीब हम अभी तो 50-60 तो आ गए हैं, बाकी 50-100 लोग और आ रहे हैं। आपका अनिल कुमार शर्मा, सचिव। हम इसलिए समस्या लेके आए हैं कि पटवारी और तहसीलदारों ने गलत तरीके से नामांतरण और बटांकन कर दिया है, जबकि हमारी कॉलोनी 1998 से 2000 के बीच में कटी हुई थी, इसमें रोड ड्रेनेज वगैरह सब थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अनदाखी करते हुए उस पर गलत तरीके से बटांकन सीमांकन कर दिया और ना हमको बिगड़ सूचना दी है, नामांकन बटांकन कर दिया। क्या बोले साहब से? आज हम नए कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। पिछले बार भी हमने मनीष सिंह साहब से बात करी थी और उन्होंने हमारे को आगे मतलब उस केस के लिए आगे ADM साहब के पास पहुँचाया था। ADM साहब ने वो बटांगन गलत बताया था, बस अगले वाले ने मतलब आगे वाली कोर्ट में जाके उस फैसले के विरुद्ध हमारे खिलाफ फैसला करा। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके व्यक्ति हम पर दबाव बना के हमारे प्लाटों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये राजकुमार जैन और एक कोई रेखा, राजकुमार यादव और राम प्रसाद और एक रेखा गुप्ता करके है। कौन सी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिनका बता रहे हैं? बस सर ऊपर से फोन लगवा रहे हैं सर, अब ये हमको नहीं पता। ऊपर से फोन लगा के और उसी उनके फोन के कारण अधिकारी गलत काम कर रहे हैं। तहसीलदार और पटवारी, उनके आपने शिकायत करी थी पहले? बहुत बार, कई बार करी थी। क्या बोला अधिकारी? हमने बोला कि बटांगन गलत है, उनकी हमने हर चीज़ से अवगत कराया, उसके बावजूद भी हमारी बात को अनदेखा करते हुए उन्होंने गलत बटांगन आमंत्रण कर दिया। महोदय से क्या निवेदन करना चाहोगे ऐसे अधिकारी के लापरवाही? हमने महोदय से निवेदन करेंगे कि जो उसकी सही जाँच करी जाए, उसकी जाँच कमेटी बिठाई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। आपका परिचय? अरविंद गोयल, कोषाध्यक्ष। कहाँ से आप? प्रिंस स्टेट लसोड़िया मोरी। NTV टाइम, जनता की बात, जनता के साथ।